है और हम आए हैं पलोलेम मार्केट. पलोलेम मार्केट जो है पलोलेम बीच के पास. और यहाँ पे यहाँ का मार्केट काफी बड़ा है लास्ट मार्केट से, और यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी बहुत है आउटफिट्स के, तो देखते हैं हम लोग को क्या. अंकल इसका प्राइस कितना है? ये वाले बैग्स हैं अंकल, इसमें मेरे को और भी प्रिंट्स दिखा रहे हैं. तो अंकल ये वाले बैग कितने के? ये सबका सेम प्राइस है ना? एक बैग कितने का है? 650. फिर दो लेंगे एक साथ तो दोनों का साथ में कम कर दोगे ना? 900 में दो बैग लगा लो, मैं दो बैग पैक ले लेती हूँ. मेरी बहन चाहिए प्रगति और क्या पहनता ना? सुंदर है. नीचे शॉर्ट्स है और ऊपर ऐसे टॉप्स है, और वहाँ पे बिकनीज भी है. सब कलर्स हैं. और आंटी कितने का दे रहे हो ये? 800. ये मैं अनु के लिए ड्रेसेस देख रही थी. ये ड्रेस कितने की दे रहे हो? यार ये तो पतला सा कपड़ा है, दे दो ना आंटी. 300 में ले लो. 300 यहाँ पे स्कर्ट्स है, लॉन्ग स्कर्ट्स है, अलग अलग प्रिंट्स है इसमें, सारे बोलेंगे. यहाँ पे कोई प्राइस कम नहीं कर रहा है, सब इतनी ठीक है ना, सब 800 से नीचे कोई आ ही नहीं रहा. बैग हो चाहे बिकनी हो चाहे स्कर्ट हो, अच्छा है ना. ये ब्रेसलेट्स हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला कैसा लग रहा है? अच्छा है. ये एक ब्रेस है. ए भाई ये एंड्रॉइड से मैंने आने के लिए लिया, बट मुझे पता नहीं इसको आएगी कि नहीं. लेकिन ये आंटी ने मुझे 350 की दी है. कितने की थी? 450. 500, 600, 700, 800 तक भी देता है. देश के ने इसीलिए डिस्काउंट दिया, तो ये इसमें 100 रुपए कम किया. और एक ये मैंने ब्रेसलेट लिया है, ये आंटी का. उसमें 100 कम किया. थैंक यू आंटी, वेलकम. ऐसा कुछ ले लगा कफ्तान में? ठीक है, ऐसा पहनेंगे हम. ये कलर पैलेट नहीं समझ आ रहा मेरे को. ये थोड़ा रिच लग रहा है, प्रिंट्स देख तो आंटी टाइप है क्या? फिर इसके अंदर का जीन्स नहीं. ये प्लाजोज हैं, इसमें और भी कलर्स हैं और बहुत सारे प्रिंट्स हैं. बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा लूँ. सोच रही हूँ मेरे को ये वाला अच्छा लगा, इसमें गोल्डन प्रिंट. ये कलर पैलेट अच्छा है. और ये ग्रीन वाला था ना, ग्रीन के साथ पिंक था. हाँ ये दोनों सेम ही है, बस कलर. बस ये दोनों में से तूने ग्रीन आउटफिट किया, अगर लेना है तो फिर पिंक ले ले. ओके सही है. जींस के साथ इतना पता नहीं चल रहा, पर तू देख ले कंफर्ट वाइज. स्ट्रगल इज रियल. कपड़े के ऊपर वो आउटफिट ट्राई कर रही है दूसरे, और ये बीच पे स्टाइलिंग करने वाली है. मैंने तो बोला मैच हो रहा है, पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. मैंने बोला अपना जो स्टे है ना टेंट, उसके साथ स्टाइलिंग जाएगा नीचे, ब्लैक स्ट्रिप वाले, उसके पास सैंडल है वो ले लेना. सबसे आपका प्राइस बोलो आपने. ये तो आप कितने का बोलो? ये 550 का, इसका 500 लगा. ठीक है, 500 में 500 तो कितना उसका? आंटी को शर्म आ रही है, आप हाई बोल दो आंटी. ठीक है आंटी, ये वाला लगा लो 250 रुपये का. देखो हम आपको पूरा अपना बता देते हैं, ये 250 रुपए का लगा लो, हम आपको बता देते हैं. ठीक है, तो कैलसी करते जाओ भार को, टोटल करते जाओ. 250. ठीक है, इसका 250 लगा लिया. ये आंटी 550 बोल रही है, इसका भी 250 लगा. इसका 250. अरे एक सेकंड सुन तो लो पहले टोटल. इसका भी 250, हमने आपकी बात सुनी ना. अभी ये स्कर्ट का आंटी 800 बोल रही है, स्कर्ट बहुत महंगी दे रही है यार आंटी. अच्छा ये स्कर्ट आपको पूरा मार्केट 500 का लगा लो ना आंटी. 500 500 लगा लो ना. 500 इसका 500 रुपये काउंट कर लो भाई. और वो जो स्विम सूट था ना वो किधर गया? 1500. ये आंटी क्वालिटी वाला है मैम, ये देखिए ना. उसे बता दो
तो आंटी ने हम लोग को ये नेकलेस, ये टॉप और ये वाला स्कर्ट दिया है 300 और ये 600, टोटल 1200 में आंटी ने हम लोग को दिया है। और वो जो स्विम सूट था वो हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि आंटी बार्गेन नहीं करने को रेडी है। पर कोई नहीं, ये शॉप पे दिखाओ अपने स्किल्स, ये शॉप पे अच्छा कलेक्शन है। अगर पहले लम मार्केट आओ तो आप मस्ट विजिट, बता देते बाहर से। ये गली कहाँ पड़ेगी, लाइक वो कैफे था ना उसके पास ही है, कैफे के बाजू में, ये रूम्बा कैफे के बाजू में, एकदम अच्छी है। मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट ये वाली काउबॉय सही है क्या ये? ये ऑफर से भी सुन ओके, हम काफी देर से शॉपिंग कर रहे हैं, इतनी शॉप विजिट कर लिए उसमें से उसको इतना समझ आया। अरे दूसरी थैली कहाँ है मेरी? एक ही थैली है दूसरी। अरे उधर क्या कर बाय गन, ये कौन से आउटफिट पे पहनेगी? कुछ भी बोहेमियन मिल जाएगा तो ये आउटफिट पे भी चला जाएगा, जो भी खरीदा ना उसके भी चले जाएगा। तो ले ले प्राइस पूछ। एक मैंने देखा कि यहाँ पे ना पलेलम मार्केट में नेकलेसेस बहुत अच्छे हैं ये सब, और इन लोगों ने सब ड्रेसेस के साथ नेकलेस मैच करके रखे ऊपर भी। वहाँ पे इतने ज्वेलरी ऑप्शंस नहीं थे। वो मार्केट का नाम क्या था जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे? वो तो फर्स्ट टाइम गए थे वो कोलवा मार्केट। कोलवा मार्केट में इतने ऑप्शंस नहीं थे जितने पलेलम। पर कोलवा मार्केट में प्राइस लोग बहुत कम कर देते थे और सामने से लाइक कैसे बुलाते थे, ले जाओ ले जाओ। और यहाँ ऐसा है कि भगा देते हैं, मतलब नहीं लेना है तो कुछ नहीं, नहीं जाओ लेना है तो मत लो, भाड़ में जाओ। ये अच्छा है, ये कैसा है? अच्छा है कलर पैलेट। अरे आपके स्टोर में आएंगे ना लोग देखेंगे तो। वन स्मॉल कप गार्डन मिंट, कुछ यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स है गाइस, कैपेचिनो, गार्डन मिंट, चोको चिप, मिल्क चॉकलेट, लोकल सिनेमन, हिमालयन सॉल्टेड कैरमल और स्ट्रॉबेरी ब्लैक पेपर एंड बेसिल सॉर्बेट। ये भी अच्छा है स्ट्रॉबेरी वाला। बहुत गर्मी है और मार्केट ख़त्म होने आ गया, हम लोगों ने एक भी दुकान नहीं छोड़ी है, हम सब में चले गए हैं और अब मेरे को लास्ट की दुकान बची है थोड़ी, बट सब में सेम ही दिख रहा है। कुछ बाकी है क्या? येलो कलर, इसको ये सब भी कलर समझ में आ गया जो प्लेन समर है, समर के अकॉर्डिंग लेना ठीक है ना, बस बता रही हूँ ना। इसमें चार कलर है, कौन सा लूँ? ये आंटी खुद बनाती है और अगर ये मेरे साइज का नहीं है ना तो फिर ये आंटी यहाँ से निकाल के, ये छोटा निकाल के यहाँ पे कर देंगे और ये मेरे साइज का भी कर देंगे। सही है, गोवा है और हेयर ब्रेडिंग ना करो ऐसा नहीं होता है। और दिशा लग गई हेयर ब्रेडिंग करवाने, 3:30 एक जगह पहुंचना है हमको, मैंने बोला कितना लेट होगा देखते हैं। ठीक है तू करवा, कौन सा कलर करो जो सही लगे, आउटफिट के अकॉर्डिंग करवा। शाम को कौन सा पहनने वाली? लाइट चली गई है अभी, मैं फोन की फ्लैश से ले रहा हूँ, देखो ऐसा करते हैं ब्रेडिंग। आंटी का गुजराती भी आता है, गाइस मैंने ब्रेड्स कराए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे एक आंटी ने 200 में करके दिए, दोनों 150 बोल रहे थे बट मैंने 200 बोला उनको तो उन्होंने कर लिया। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा तो फिर डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। Thank you, bye.